सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में शिव भक्त बाबा के सभी धामों पर जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी बीच सुल्तानगंज के अजगबीनाथ धाम में सावन के शुरू होते ही कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में कांवरिया सुल्तानगंज अजगबीनाथ घाट से जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाने के लिए प्रस्थान करने लगे हैं। इस दौरान अजगबीनाथ धाम में गजब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस बीच श्रद्धालु तरह तरह के अनूठे कांवर लेकर बाबा धाम जा रहे हैं। वहीं आज पटना से पहुंचे श्री विशाल शिवधरी 54 फीट कांवर संघ के 5 सदस्य 54 फीट अनूठे कांवर लेकर चल रहे हैं। कांवर में मारूफगंज की श्री श्री बड़ी देवी जी, पटन देवी, रानीपुर माँ काली व भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई है। गंगा जल के कुल 6 कलश हैं, इसे 9 सदस्य उठाए हैं और बाकी सदस्य नाच झूम आगे बढ़ रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले ही श्रावण पूर्णिमा के दिन जल चढ़ाने के लिए हर बार बंगाल, असम, नेपाल समेत कई जगहों से कांवरिया सुल्तानगंज पहुंचते हैं। इस बार बंगला कैलेंडर से पूर्णिमा तिथि में उलटफेर के कारण कम तादाद में कांवरिया यात्रा करते दिख रहे हैं, लेकिन इन कांवरियों के लिए सुबह से ही निकली चिलचिलाती धूप और कांवरियों के लिए तैयार कच्ची पथ पर बिछाए सफ़ेद बालू बेहद कष्टदायक साबित हो रहे हैं। पानी छिड़काव का इंतजाम नहीं होने के कारण श्रावण पूर्णिमा व उससे पहले जल चढ़ाने निकले कांवरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पथ पर बिछाए बालू कड़कड़ाती धूप से आग की तरह तप रही कांवरिया धूप निकलने के बाद इस पथ पर चलने से परहेज कर रहे हैं और मुख्य सड़क मार्ग का ही सहारा ले रहे हैं। पटना सिटी से कितना लंबा कांवर है? 54 फीट का कांवर है। कितना वजन होगा? वजन 3 क्विंटल, 4.5 क्विंटल, 4 क्विंटल होगा वजन। कितना? 4.5 क्विंटल, 4.5 क्विंटल। कितने लोगों का जत्था है? 400 से 500 लोग। सारे लोग पटना सिटी से आए? हाँ, पटना सिटी, मारूफगंज। क्या चीज? पटना सिटी से ही है टोटल? टोटल, हाँ टोटल पटना सिटी से है। कब से ये जत्था आता है? 2008 से। अच्छा, ये जो 2 साल आप लोग नहीं आ पाए, कितना मलाल होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कोरोना काल में, लेकिन अब मैं आए तो अब लोग हम लोग 500 के जगह पर 1000 के जत्था में आए हैं दर्शन करने के लिए बाबा का। कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा।